हेलो एवरीवन, मेरी गिरी लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो आज की वीडियो है ये डहेलिया के ऊपर है। हम विंटर में तो फूल लेते ही हैं इनसे, और हमें गर्मी समर में कैसे फूल लेना है इस पर वो, और थोड़े बहुत केयर टिप्स मैं इनके बताने वाली हूँ। आइए लास्ट तक बने रहे इस वीडियो में। ये देखिए, मैंने विंटर में ये 5-6 प्लांट लिए थे डहेलिया के। एक ये लिया था, एक ये लिया था, और एक ये लिया था, और एक ये लिया था, और एक ये है, एक ये है। 6 प्लांट है मेरे पास। और मैंने जब इस पे फूल आ चुके थे विंटर में, तो मैंने जो काम किया मैं सबसे पहले वो बताती हूँ। ये देखिए, ये डहेलिया का प्लांट है, और इससे एक बार नहीं, इससे कम से कम 2-3 बार हम फ्लावरिंग ले सकते हैं। और लेकिन अगर ये इस तरीके से लिया जाए जो मैं बता रही हूँ, तो जिस तरीके से मैंने लिए आप भी ले सकते हैं। ये इस पर तीसरी बार फ्लावर दे रहा है, विंटर में भी दिया और बीच में भी दिया, और वो क्या तरीका है मैं आपको वही शेयर करने जा रही हूँ। बस हमें क्या करना होता है, जैसे फ्लावर विंटर में आ जाते और ये लंबी सी स्टेम होती, या छोटा फ्लावर हो या लंबा हो, तो हमें यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच या 1 अंगूठा समझ लो, 1 अंगूठे से यहाँ तक ये काट देना है इसको पूरा ऊपर से, और इसमें नई नई ब्रांच आ जाएंगी, और उन्हीं ब्रांच पर फिर ये दोबारे से ये फूल इस तरह दे देगा। तो मैंने बस इस पर यही वर्क किया है, इसकी कटिंग की और इसकी, क्या मैंने सभी की कटिंग की। ये देखो सभी, यहाँ ये भी इसकी कटिंग की, और इसमें देखो नई नई 3-4 ब्रांच आई, और इन पे फिर बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गया। ये देखो, तो हम विंटर में क्या करते हैं, फूल आते हैं इन पर डहेलिया पे 1-2, और उनको बस वो सूख जाते हैं, हम सोचते इसको ख़राब हो गया फेंक देते हैं, तो हमें फेंकना नहीं है। और इसमें तो बल्ब भी होते हैं, तो उससे दोबारा भी वो निकल के आ जाते हैं। अगर आप फेंकोगे नहीं उसको, तो इसमें दोबारा से जो है ये बेबी प्लांट निकल के आ जाते हैं। और मैंने कम से कम 5-6 हैं मेरे पास, सभी पे मैंने यही काम किया। ये देखो, यहाँ पे ये जो टूटा हुआ ये यहाँ से कट किया, और आपको ये दिख रहा होगा ये यहाँ से कट किया, और सारे इस तरह से दोबारा बन के आ गए, और सभी पे, इस पे भी बर्ड्स बन के आ गई है, और इस पे भी बर्ड्स बन के आ गई है, और इस पे तो देखो ये तो जीता जागता प्रूफ है, फूल खिलता हुआ है। अगर आप भी ये काम करते हैं तो फूल एक बार नहीं, 2 बार, 3री बार भी इस पे आ जाते हैं, जैसे मेरे इस पे आया हुआ है डहेलिया पे। और अगर आपके प्लांट में जैसे ये कुछ डिजीज लग जाती हैं, इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद पाउडर सा होता है, तो इसके लिए मैं एक स्प्रे बता देती हूँ। अगर नीम ऑयल है आपके पास या फंगीसाइड है, तो उसको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है इसका स्प्रे, इसको जो है 1 लीटर पानी में नीम ऑयल 1/2 चम्मच या 1.5 ग्राम इस तरह से ले लीजिए। और कोई भी आपके पास डिटर्जेंट पाउडर है या लिक्विड है कपड़े धोने का, तो उसको 1/2 चम्मच उसको ले लीजिए या 1 ग्राम, और उसको 1 लीटर पानी में घोल दीजिए और इन पे स्प्रे कर दीजिए। और एक बार करें पहले, अगर नहीं जाता है, ये सफ़ेद सफ़ेद साफ़ नहीं होता है, तो इस पे मैंने ऐसे ही किया था, इस पे देखो साफ़ हो गया, और नई नई सुंदर पत्तियाँ भी निकल गई। और ज़्यादा ख़राब पत्तियाँ उनको निकाल दीजिए, जैसे नीचे ये है इसको निकाल दीजिए ज़्यादा ख़राब है तो। और इस पे अगर एक बार में नहीं होता तो दोबारा कीजिए 3रे दिन, और 3रे दिन नहीं होता फिर उसके बाद 2 दिन में कीजिए, तो 3 बार में इसको ये साफ़ हो जाता है, और ये नई नई पत्तियाँ निकल के इस तरह ये तैयार हो जाती हैं, और ये देखो खूबसूरत सा फूल भी इस पे बन के तैयार हो जाता है। अगर ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।